नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच 22 सितंबर को मुकाबला होना है। इस पहले मुकाबले को लेकर राजस्थान रॉयल्स के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई थी, क्योंकि स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक्स और जॉस बटलर तीनों ही इस मुकाबले में उपलब्ध नहीं रहने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, इंग्लैंड दौरे में सिर पर चोट लगने के कारण एक दिवसीय सीरीज नहीं खेल पाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ मंगलवार को टीम के पहले मुकाबले के लिए मैदान में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। स्मिथ को इंग्लैंड दौरे के दौरान नेट्स में अभ्यास के दौरान सिर में चोट लगी थी और इसके बाद एक दिवसीय सीरीज में उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला था। राजस्थान रॉयल्स ने जो मीडिया विज्ञप्ति जारी की है उसमें स्मिथ ने सोमवार को कहा, जाहिर है इंग्लैंड में 3 एकदिवसीय मैचों में नहीं खेल पाया। कुछ दिनों से दुबई में हूँ, मैंने आराम किया और रनिंग की। कल मैंने तेजी से बाईं और दाईं तरफ दौड़ लगाई और मैदान पर वापसी करने के नियमों पर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, आज मैंने नेट्स में बल्लेबाजी की, उम्मीद करता हूँ चोट से उभर गया हूँ और कल खेलने के लिए तैयार हूँ। कप्तान को भरोसा है कि टीम बढ़िया लय में है और शानदार खेल दिखाने का इंतजार कर रही है। स्मिथ के खेलने से टीम का बैलेंस बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, न सिर्फ बल्लेबाजी में बल्कि वो एक शानदार कप्तान भी हैं। हालांकि स्मिथ के अनुपस्थिति में उनकी जगह संजू सैमसन की कप्तानी की बात कही जा रही थी। अब जब ये बात सामने आ चुकी है कि स्मिथ कल खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे तो बहुत ज्यादा उम्मीदें यही हैं कि कल वो प्लेइंग 11 में भी रहेंगे और टीम की कप्तानी पहले मुकाबले में करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।